हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अरियन मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह है कॉन्टिन्यूटी, और ये कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 5 है। तो बच्चों, कॉन्टिन्यूटी में हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शन, और स्पेशल फंक्शन की में अगर हम बात करें यहाँ पर, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इसकी बात करते हैं। ओके बच्चों, कंपोजिट फंक्शन, तो सपोज करो, अगर बच्चों जैसे मान लो, अगर हमने कंसीडर किया लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। ओके स्टूडेंट, एफ ऑफ जी एक्स, देखो f के अंदर जी एक्स है, तो दिस इज द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, राइट। अब बच्चों, ये जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूअस, कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? ये इज डिसकॉन्टिन्यूअस ऑल्सो एट दोज पॉइंट। ओके, इज डिसकॉन्टिन्यूअस ऑल्सो एट दोज पॉइंट वेयर जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके बच्चों, तो एफ ऑफ जी एक्स, देखो एफ के अंदर जी एक्स है, तो बच्चों ये जो फंक्शन होगा वो वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जहाँ पर जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है, मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जहाँ पर जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इसके अलावा भी अदर पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। अगर हम उस प्रॉपर्टी, इस फंक्शन को देखेंगे तो उसमें हम चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। बट एक बात तो बिल्कुल पक्की है, श्योर है कि यह फंक्शन वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जहाँ पर जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये बात तो बिल्कुल श्योर है। ओके बच्चों, अब इस बात को हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे मान लिया, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया लेट एफ एक्स, एफ एक्स आपको गिवेन है 1/(1 − x). ठीक बच्चों, अब चलो मुझे बताओ ये फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। ठीक, तो डिनोमिनेटर कहाँ पर जीरो है? x = 1 पर इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो ये फंक्शन x = 1 पर डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगा, सो दैट मीन x = 1 पर फंक्शन क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। सो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 1। ओके बच्चों, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x − 1) इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 1। अगेन देखो, अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया f, अब इसके अंदर हमने ले लिया एफ एक्स। ठीक, अब ये देखो एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, जहाँ x है वहाँ हमने एफ एक्स ले लिया, तो f ऑफ एफ एक्स इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन। ओके बच्चों, अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, जहाँ x है वहाँ हमने एफ एक्स पुट कर दिया, तो x के प्लेस में एफ एक्स ले लो 1 − f(x), राइट। ठीक, अब समझना है इसको, इस बात को, अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ से 1 − चलो एफ एक्स की वैल्यू 1 − x, राइट दिस। चलो अब इसको यहाँ से अगर सॉल्व करें, सो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 − x and 1 − x − 1, दिस कैंसिल 1 − x/(−x). ओके बच्चों, अब इस माइनस को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, सो वी कैन राइट x − 1/(x). ठीक, ओके, तो बच्चों अगर इस फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें, तो ये फंक्शन डिफाइन कहाँ पर डिफाइन नहीं है? x = 0, x = 0 पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो x = 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो बच्चों x = 0 पर ये क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। सो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 0, राइट। अब बच्चों इसके अलावा ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर होगा? जहाँ पर देखो ये फंक्शन f के अंदर क्या है? fx, जहाँ पर एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है। एफ एक्स कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है? एट x = 1, राइट। तो ऑल्सो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 1। देखो ऐसा, ठीक, ओके, ये तो बच्चों ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही होगी। ये जो फंक्शन है x = 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, एंड और कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है? एज वेल एज डिसकॉन्टिन्यूअस जहाँ पर वेयर एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है, और एफ एक्स कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है? एट x = 1। ठीक, ये अच्छा, एक बात और समझे यहाँ से, अगर सब कुछ करो
इसमें एक फंक्शन और इन्वॉल्व कर लेते हैं। मान लो हमने ले लिया f, फिर f, फिर एफ एक्स, देखो ऐसा राइट इसको हमने ले लिया। अब समझ रहे हैं इसको, देखो f ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे x के प्लेस में फिर से हमने एफ एक्स पुट कर दिया, फिक्स x के प्लेस में अगेन एफ एक्स पुट कर दिया, तो ये फंक्शन मिल गया। सो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, देखो वन अपॉन, अच्छा देखो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये फंक्शन ये है f ऑफ एफ एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन x, तो x के प्लेस में एफ एक्स पुट कर दो। ठीक, तो x के प्लेस में एफ एक्स पुट करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स, राइट। चलो अच्छा वैल्यू सब श्योर करो यहाँ से, तो एफ एक्स की वैल्यू देखो ये गिवन है, वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन वन अपॉन वन माइनस एक्स, राइट। अच्छा इसको सॉल्व करो, देखो देखो एलसीएम लोगे, सो वन माइनस एक्स, नहीं वन माइनस वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट इज द एक्स, ओके। अब समझना देखो ये फंक्शन को सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया, एक्स। अब एक्स तो जानते हो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। बट ध्यान दो ये जो फंक्शन है देखो इसमें कंपोजिट फंक्शन क्या है, एफ और एफ एक्स, ठीक तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा, जहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है, तो एफ ऑफ एफ एक्स कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है, जीरो और वन पर, तो ये फंक्शन भी जीरो और वन पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और एफ एक्स, एफ एक्स कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है, एक्स इक्वल टू वन पर, तो ये फंक्शन भी एक्स इक्वल टू वन पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बच्चों, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन। क्यों, क्योंकि एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स जीरो और वन पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, राइट ठीक ओके। ये बात ओके बच्चों, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ओके। तो इतनी बातें, तो बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप कंपोजिट फंक्शन ले रहे हो एफ ऑफ एफ एक्स, तो डेफिनेटली ये फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ पर ये जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जिन जिन पॉइंट पर जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूस होगा ये ओवरऑल फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा। इसको ऑलवेज याद रखना, मस्ट बी रिमेंबर, राइट। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते, तो मान लो ये क्वेश्चन हमने ले लिया, अब देखो यहाँ पर गिवन है एफ एक्स, एफ एक्स आपको गिवन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, राइट एंड जी एक्स, जी एक्स आपको गिवेन है वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ओके बच्चों ये आपको डिस्कस करना है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स जी एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स, इसको डिस्कस करना है ओके। ओके बच्चों, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो आपको डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स जी एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स। अब ध्यान देना ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन, एफ के अंदर जी एक्स इन्वॉल्व है। चलो तो सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन लेते हैं बच्चों क्या होगा, राइट चलो पहले फर्स्ट देखो, एफ एक्स आपको गिवेन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन दिस, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कहाँ पर जीरो होगा, इसका एक्स इक्वल टू वन पर, तो एक्स इक्वल टू वन पर ये डिफाइंड नहीं हुआ, ओके बच्चों, तो एक्स इक्वल टू वन पर ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन, क्लियरली समझ में आ रहा है जी एक्स। अब जी एक्स वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ओके बच्चों, तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ पर जीरो होगा, एक्स इक्वल टू थ्री पर, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू थ्री, राइट एक्स इक्वल टू थ्री। चलो अब इसकी बात करते हैं, देखो एफ ऑफ जी एक्स, राइट अब ये डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा, चलो लेते हैं विल बी डिसकॉन्टिन्यूस एट, ठीक चलो देखो कहाँ कहाँ पर हो सकता है, समझना फर्स्ट होगा आपका
एक्स इजक्वल टू थ्री पर। अब एक्स इजक्वल टू थ्री क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ जी एक्स। ओके बच्चो, जी एक्स देखो मैंने कहा था ना एफ ऑफ जी एक्स, ये फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा? जहाँ पर जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूस। तो जी एक्स कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है? एक्स इक्वल टू थ्री पर। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया एक्स इक्वल टू थ्री पर, ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ जी एक्स। सेकेंड, अच्छा दूसरा बच्चों देखो, दूसरा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होगा? देखो ये आपका हो जाएगा जी एक्स इक्वल टू, जी एक्स इक्वल टू वन। अब वन क्या है बच्चों? वन है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो एफ एक्स जहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है उसको जी एक्स के इक्वल कर दो। देखो एफ एक्स जहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है उसको जी एक्स इक्वल कर दो, आपको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिल जाएगा। राइट, चलो तो जी एक्स को इक्वल करो। जी एक्स क्या है? वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन। ठीक, सॉल्व करो इसे, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन, सो एक्स इक्वल टू फोर। तो देखो बच्चों ये भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया। ठीक, तो एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स ये डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा? एट एक्स इक्वल टू थ्री एंड एक्स इक्वल टू फोर, इन दो पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, एट एक्स इक्वल टू थ्री एंड एक्स, एट एक्स इक्वल टू फोर। ओके, अब देखो ध्यान दे रहा हूँ, जी एक्स, जी एक्स कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है? एट एक्स इक्वल टू थ्री। और एफ एक्स कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा था? एक्स इक्वल टू वन पर, उसको हमने जी एक्स के इक्वल कर दिया और सॉल्व करके एक्स इक्वल टू फोर मिल गया। ठीक, अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलो थोड़ा सा इसको और ठीक है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो एफ ऑफ जी एक्स, देखो एफ ऑफ जी एक्स कैसे मिलेगा? जहाँ एक्स है वहाँ पर जी एक्स पुट कर दो, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर एक्स है ठीक वहाँ पर जी एक्स पुट कर दो। सो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स माइनस वन, दिस वन। ओके बच्चों, अब जी एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है? वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। सो वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन। ठीक, ओके, अब तुम ध्यान से देखो यहाँ से बच्चों, देखो फंक्शन, फंक्शन में कहीं पर भी कोई भी टर्म्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हो तो जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो वहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक, सो देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये टर्म न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है। राइट, इसका डिनोमिनेटर कहाँ? जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू थ्री पर, तो ये फंक्शन एक्स इक्वल टू थ्री पर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। राइट, तो देखो ऐसे समझ सकते हो। दूसरा देखो, और देखो यहाँ से, अब देखो ये न्यूमिनेटर में है, ये कंप्लीट न्यूमिनेटर में, ये कंप्लीट डिनोमिनेटर में है। ठीक, ओके, अब इसको सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस टू, ठीक है ना, x माइनस टू। इसको सॉल्व करोगे देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स प्लस थ्री, देखो ऐसा, तो दैट मीन ये हो जाएगा फोर माइनस एक्स। ओके बच्चों, फोर माइनस एक्स। अब देखो इसका डिनोमिनेटर जीरो कहाँ हो रहा है? इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है आपका एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स इक्वल टू फोर पर ये क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक, सो देखो ये एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू फोर, इस पर क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूस। देखो ठीक, तो क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको मिल गया इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो एक्स इक्वल टू थ्री पर डिसकॉन्टिन्यूस। अब इसको आपने सॉल्व किया तो देखो ये मिल गया, इसका डिनोमिनेटर एक्स इक्वल टू फोर पर जीरो हो रहा था, तो एक्स इक्वल टू फोर इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके बच्चों, ठीक ये चलो। अच्छा अब तो बच्चों आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है, इफ y इक्वल टू वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू। ओके बच्चो, y इक्वल टू आपको गिवन है वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, वेयर t इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन।
तो टी क्या गिवन है आपको, वन अपॉन एक्स माइनस वन। ओके तो बच्चे यहाँ से फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स। चलो देखो यहाँ से नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर वेयर वाई इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके देखो ऐसा, ठीक। अच्छा वाई आप बोल सकते हो या इसको ऐसा भी बोल सकते हो, वाई इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। देखो जब यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करोगे वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो यू कैन राइट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके बच्चों चलो तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बताया था ना कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे करना है, एफ ऑफ जी एक्स, तो जहाँ पर जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, पहला पॉइंट ये है, ठीक। दूसरा क्या करो, यहाँ पर जी एक्स को किसके इक्वल कर दो, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, उसको सॉल्व कर लो, वहाँ से डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट मिल जाएगा। तो कंपोजिट फंक्शन में बच्चों आपको दो चीज़ याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है क्या, देखो अगर फंक्शन आपको ऐसा दिया हो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक, तो ये फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ पर जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूस है, पहली। दूसरी बात, ठीक है, कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, जी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वो पॉइंट लोगे कि जहाँ पर एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, उसको सॉल्व कर लो, फिर अदर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो यही क्वेश्चन आपको इसमें भी करना है, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ओके बच्चों चलो तो करते हैं यहाँ से सोल्यूशन, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टी स्क्वायर, चलो इसको सॉल्व करो, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करें, देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे, टी प्लस टू और ये है टी माइनस वन, ठीक। अब समझना बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये जो फंक्शन है इसका डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, टी इक्वल टू माइनस टू और टी इक्वल टू वन, इस पर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये हो गया पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो गया, t इक्वल टू माइनस टू और t इक्वल टू वन, ठीक। अब यहाँ समझना, यहाँ पर t क्या है, t है वन अपॉन एक्स माइनस वन, टी है वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ पर t डिसकॉन्टिन्यूस है, और t कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू वन पर, ठीक। तो एट x इक्वल टू वन इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके बच्चों ठीक, तो एक तो आपको यहाँ से मिल गया, ये टी क्या है वन अपॉन एक्स माइनस वन। ओके बच्चों तो ये फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ पर टी डिसकॉन्टिन्यूस है, और टी कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है, एट एक्स इक्वल टू वन पर। ओके तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया। अब दूसरी चीज़ देखो यहाँ से, ठीक, अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, माइनस टू और वन पर, और टी की वैल्यू क्या है आपको गिवन है वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो इसको सॉल्व करो, वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, ठीक। तो अदर पॉइंट की डिसकॉन्टिन्यूटी आपको यहाँ से मिलेगी, चलो सॉल्व करो यहाँ से, एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाई टू, सो एक्स इक्वल टू वन बाई टू, तो बच्चों ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट, ठीक। अदर इसको सॉल्व करो, वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू वन, सो एक्स माइनस वन इक्वल टू वन, सो एक्स इक्वल टू टू। ओके तो बच्चों पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एक्स इक्वल टू वन बाई टू, राइट, एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू, राइट। सो देयर आर थ्री पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी प्रॉब्लम है, ठीक ना। कंपोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम जो है वो इजी होता है, और कॉन्टिन्यूटी भी, इसके कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होते, आपको बस थोड़ा सा इसकी जो थ्योरी है वो क्लियर करना है, और बाकी तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है। ओके तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया कॉन्टिन्यूटी।
कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन फंक्शंस इन विच एफ एक्स इज डिफाइंड डिफरेंटली फॉर रेशनल एंड इनरेशनल इनरेशनल वैल्यूज ऑफ एक्स ओके बच्चों ठीक वैल्यूज ऑफ एक्स ठीक। अब देखो यहाँ से अब हम फंक्शन ऐसा ले रहे हैं जहाँ पर एक्स रेशनल और इनरेशनल के लिए डिफरेंटली डिफाइंड है ठीक है। अगर एक्स को हम रेशनल ले रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग है और एक्स को इनरेशनल ले रहे हैं फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग है तो फंक्शन अलग अलग डिफाइंड है फॉर रेशनल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड इनरेशनल वैल्यूज ऑफ एक्स ओके। तो बच्चे इसका कॉन्सेप्ट समझना वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन है यहाँ पर। जैसे सपोज करो हमने ऐसा ले लिया लेट एफ एक्स आपको मान लो हमने ले लिया यहाँ पर सपोज करो दिस इज द g1x इफ x बिलोंग्स टू q q मीन्स क्या है बच्चों रेशनल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड यहाँ हमने ले लिया g2x इफ x इज नॉट अ रेशनल। अब नॉट रेशनल का मीनिंग क्या हो जाएगा इनरेशनल ठीक है। तो ये आपका क्या है रेशनल एंड ये क्या है आपका इनरेशनल राइट ऐसा। तो बच्चों एफ एक्स जी वन एक्स और जी टू एक्स इफ एक्स बिलोंग टू रेशनल और एक्स डज नॉट बिलोंग टू रेशनल ठीक। अगर ये फंक्शन देखो इस टाइप का फंक्शन दिया है तो बच्चों इसमें देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा ठीक। दिस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस वेयर जी वन एक्स इज इक्वल टू जी टू एक्स ठीक ओके बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जब भी रेशनल और इनरेशनल का टर्म आपको दिया है तो हमेशा ध्यान रखना कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा जहाँ पर जी वन एक्स और जी टू एक्स दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएं एक्स की ऑल वैल्यूज जिसके लिए जी वन और जी टू इक्वल हो जाए वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ठीक। अदर पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस जहाँ पर जी वन एक्स और जी टू एक्स इक्वल होंगे सिर्फ उसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा बाकी अदर पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस ठीक ओके। अब देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर तो पहले तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ठीक। जब ये फंक्शन रेशनल और इनरेशनल फॉर्म दिया है यहाँ पर दोनों फंक्शन को इक्वल कर लो इसके सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो जो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ठीक। तो बच्चों इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो जैसे सपोज करो आपको ये क्वेश्चन गिवन है लेट आपको एफ एक्स गिवेन है एफ एक्स इक्वल टू आप सपोज करो एफ एक्स आप गिवेन है आपको वन प्लस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू क्यू मीन्स क्या होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड एक्स माइनस वन ओके अच्छा एक्स माइनस वन या इसको ऐसे लो वन माइनस एक्स इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल ठीक। तो इसका मीनिंग क्या होगा ये हो गया आपका रेशनल और ये हो गया आपका इनरेशनल राइट ये। अब चलो देखो इसको ध्यान देते हैं कैसे देखते हैं इसे। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था देखो बच्चों ये कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा जहाँ पर इन दोनों फंक्शन को इक्वल कर लो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ले लो ठीक। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस वेयर वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स चलो सॉल्व करो टू एक्स इज इक्वल टू अब देखो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे यहाँ पर जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो बच्चो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी
ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। इसको चेक करते हैं, देखो ध्यान देना। तो x इक्वल टू जीरो पर हम क्या, देखो हमने दोनों को इक्वल किया और सॉल्व करने पर x की वैल्यू हमें जीरो मिल गई। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, x इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, राइट। अब x इक्वल टू जीरो पर हम चेक करते हैं, ध्यान देना। चलो हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, अब जीरो क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है, ठीक, जीरो एक रेशनल नंबर है। ओके बच्चों, तो इसका मतलब देखो जब x रेशनल है तो फंक्शन क्या ले रहा है, एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स, और जीरो क्या है, रेशनल। तो बच्चों एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो के केस में क्या हो जाएगा, देखो ये फंक्शन फॉलो करेगा, यहाँ x की वैल्यू जीरो रख दो तो वन प्लस जीरो दैट इज अ वन। तो एफ ऑफ जीरो क्या दे रहा है आपको, वन, राइट। अच्छा चलो अब हम लेते हैं जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे लिखते हो, लिमिट x टेंड टू जीरो, x टेंड टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, ऐसा। ओके, x टेंड टू जीरो नेगेटिव। तो बच्चों ये बताओ, अगर इफ x टेंड टू जीरो नेगेटिव है, समझना, देखो ये क्या है आपका जीरो, ठीक। तो जीरो से जस्ट लेस, जीरो से जस्ट लेस क्या हो जाएगा, x टेंड टू जीरो नेगेटिव, जीरो से जस्ट लेस, ठीक। तो इस केस में देखो हम क्या बोल सकते हैं, x may be रेशनल और इनरेशनल, रेशनल और इनरेशनल, x may be रेशनल और इनरेशनल। तो बच्चों अगर हम x टेन टू जीरो ले रहे हैं, जीरो नेगेटिव, जीरो से जस्ट लेस, तो हम ये श्योर नहीं कर सकते यहाँ पर x आपका रेशनल होगा कि इनरेशनल, राइट, ठीक। जीरो से जस्ट लेस, जीरो तो रेशनल नंबर है, जीरो से जब जस्ट लेस लोगे तो हम ये श्योर कह ही नहीं सकते, वी कैन नॉट श्योर दैट x इज अ रेशनल और इनरेशनल। तो बच्चों यहाँ समझो, अगर सपोज करो कि जीरो से जस्ट लेस ले रहे हैं, तो अगर सपोज करो x रेशनल होगा, x रेशनल हो तो इसको फॉलो करोगे, दैट मीन देखो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, राइट। एंड अगर मान लो ये x इनरेशनल हुआ तो हम क्या लेंगे, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, देखो ठीक है। अब हमें श्योर तो है नहीं यहाँ पर कि भाई अगर जीरो से जस्ट लेस लोगे तो x क्या होगा, तो हमने दोनों कंडीशन ले लिया। सपोज करो अगर x रेशनल होगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो इज वन, और अगर x इनरेशनल होगा तो वन माइनस जीरो वन, राइट। अब चलो राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों की राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक, जीरो से जस्ट ग्रेटर, राइट ना, जीरो से जस्ट ग्रेटर। अब जीरो से जस्ट ग्रेटर, अब इसमें भी हम श्योर नहीं कह सकते, x में भी रेशनल और इनरेशनल, x रेशनल भी हो सकता है इनरेशनल। तो बच्चों अगर x रेशनल होगा तो इसको फॉलो करेगा, दैट मीन वन प्लस जीरो, देखो वन, और अगर x इनरेशनल होगा तो वन माइनस जीरो वन, राइट। अब चलो देखो यहाँ से x इक्वल टू जीरो पर फंक्शनल वैल्यू वन, लेफ्ट हैंड लिमिट वन, राइट हैंड लिमिट वन, तीनों इक्वल हो रहे हैं ना, तो कॉन्टिन्यूटी कंडीशन यही थी, फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों वैल्यू इक्वल और फाइनाइट हो तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू जीरो पर, सॉरी एट x इक्वल टू जीरो पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, अच्छा मान लो कोई अदर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। मैंने क्या कहा, सिर्फ x इक्वल टू जीरो पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, एनी अदर पॉइंट पर क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक। चलो तो इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ से, तो इतना तो आपको समझ में आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट, तो कोई अदर पॉइंट ले लेते हैं, उस पर देखते हैं ये कैसे डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। देखो जैसे मान लो हम ले लेते हैं एट एक्स इक्वल टू, चलो मान लो वन ले लेते हैं, सपोज करो एट एक्स इक्वल टू वन पर हमें चेक करना है, ठीक। ओके, तो वन क्या है बच्चों, वन एक रेशनल नंबर है, ठीक। तो रेशनल नंबर, तो यानी इसको फॉलो करेगा एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स, तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो फंक्शनल वैल्यू आपकी क्या हो गई, टू, राइट।
चलो अब आते हैं वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा देखो बच्चों, ये वन है, राइट वन, तो वन से जस्ट लेस ले रहे हैं, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। सो इसको हम क्या देखेंगे, वी कैन राइट लिमिट एक्स टेंड टू वन निगेटिव, वन से जस्ट लेस, तो बात वही आएगी। देखो वन से जस्ट लेस ले रहे हैं हम, राइट, तो बट हम श्योर नहीं बता सकते कि ये रेशनल होगा कि इनरेशनल होगा। वन से जस्ट लेस, इट मे बी रेशनल और इनरेशनल। तो बच्चों अगर ये रेशनल हुआ तो इसको फॉलो करेगा, ठीक, एफ एक्स, ओके। अगर वन से जस्ट लेस लेने पर एक्स जो होगा अगर आपका रेशनल होगा तो इसको फॉलो करेगा, तो वन प्लस वन, तो बच्चों क्या हो जाएगा, टू, राइट। दूसरा देखो, अगर सपोज करो वन से लेस लेने पर एक्स इनरेशनल हुआ तो इसको फॉलो करेगा, तो इस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, वन माइनस वन इज जीरो। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट दो वैल्यूज ले रहा है, आइदर जीरो ले रहा है या टू ले रहा है, ठीक। अच्छा सिमिलरली देखो राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू वन पॉजिटिव, वन पॉजिटिव मीन्स बच्चों वन से जस्ट ग्रेटर, ठीक। अब वन से जस्ट ग्रेटर में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेशनल भी ले सकते हो, इरेशनल भी ले सकते हो, ठीक, कोई भी श्योर नहीं है। तो सेम कहानी, अगर वन से जस्ट ग्रेटर ले रहे हो और एक्स रेशनल हुआ तो इसको फॉलो करेगा, तो सेम वन प्लस वन इज द टू, ठीक है। तो एक्स अगर वन की तरफ टेंड कर रहा है तो ये टू की तरफ टेंड करेगा, अगर एक्स रेशनल ले रहे हो, और अगर एक्स इनरेशनल ले रहे हो तब ये किसकी तरफ टेंड करेगा, वन माइनस वन, ये देखो जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो राइट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू भी टू और जीरो हो सकती है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका जो फंक्शन एफ एक्स है ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट्स, राइट, ऑक्सीलेट बिटवीन जीरो एंड टू, ठीक बच्चों, जीरो और टू पे क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, दैट मीन हैंस एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक। इसी तरह आप अदर वैल्यूज चेक कर सकते हो, ठीक। तो ओवरऑल ये अगर इस फंक्शन की मैं बात करूँ, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू आर माइनस जीरो, जीरो पर क्या था ये, कॉन्टिन्यूस, ठीक। तो जीरो को छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंट पे ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, देखो जैसे ये वन है ना, वन, ठीक, तो वन पर तो वैल्यू टू ले रहा है, सपोज करो ये वैल्यू आपकी टू है, देखो अगर मैं ऐसा बनाया यहाँ से, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, तो मान लो ये हमने वन ले लिया, ठीक, और ये आपका टू है, राइट। तो वन पर तो टू ले रहा है, तो वन से जस्ट लेस लो। अब ये श्योर ही नहीं है आपका कि वन से जस्ट लेस लेन पर रेशनल या इनरेशनल, तो आपको टू भी मिल सकता है यहाँ पर और जीरो भी मिल सकता है, राइट। वन से ग्रेटर लेने पर टू भी मिल सकता है, देखो टू या तो जीरो मिल सकता है, ठीक। तो वैल्यू देखो ऐसे जंप करती रहेगी, टू और जीरो इसके बीच में ऑक्सीलेट करती रहेगी, तो क्या हो जाएगा इस पर, डिसकॉन्टिन्यूस। तो जीरो के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे सब पॉइंट पर क्या होगा, वैल्यू जीरो से टू के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस, ओके बच्चों। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी रेशनल या इनरेशनल का केस दिया हो तो क्या करना है आपको, इन दोनों को इक्वल करना है, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अदर जितने पॉइंट होंगे उस पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ओके बच्चों। चलो जैसे मान लो ये बच्चों ये क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, अब सपोज करो एफ एक्स आपको गिवेन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस थ्री इफ एक्स बिलोंग्स टू रीजनल, ओके, एंड टू माइनस एक्स इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, देखो ऐसा, ओके बच्चों। ये तो ये आपको गिवेन है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो समझना, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एग्जैक्टली टू पॉइंट्स
देन 2 पॉइंट्स, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए. ओके, तो आपको ए की पॉसिबल वैल्यूज बताना है. कब बताना है? इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, टू पॉइंट एग्जैक्टली टू पॉइंट पर ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है. चलो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, देखो ऑप्शन क्या होगा. ऑप्शन मान लो जैसे ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू थ्री, बी ऑप्शन टू टू इन्फिनिटी, सी ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस. ओके बच्चे, चलो तो स्टूडेंट इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, ठीक, और फिर बताओ कौन सा आंसर सही होगा. ठीक, ओके, तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, पूरे कॉन्सेप्ट समझो, ठीक, और कोशिश करो कि क्वेश्चन सॉल्व करने की. ठीक, जब पूरा एफर्ट लगा दो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तब सोल्यूशन देखो. ठीक, ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन लिया सॉल्व नहीं हो रहा है बस सोल्यूशन देख लिया, ऐसे मत करो. ठीक, पहले अपना पूरा एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगाओगे तब तुम्हारा ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. और अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है फिर से नोट्स देखो, फिर से कॉन्सेप्ट को पलटो देखो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो. राइट, सोल्यूशन हमेशा एकदम लास्ट में देखा करो. चलो तो देखो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन. ठीक, तो आई थिंक चलो देखो हम इसे सॉल्व करते हैं. ओके बच्चों, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी. अब देखो, अब एक्स अगर रेशनल है तो फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस थ्री. और एक्स अगर इनरेशनल है, नॉट रेशनल का मतलब मीनिंग क्या होगा, इनरेशनल, फंक्शन दिया है टू माइनस एक्स. अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जब भी रेशनल और इनरेशनल का कॉन्सेप्ट दिया हो तो फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूस होता है, जहाँ पर इन दोनों को इक्वल कर दो. ठीक, ओके, एक्स की जिस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे वो हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी. चलो तो हम इसे इक्वल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू माइनस एक्स. ठीक, दोनों को इक्वल कर दिया हमने. अब चलो सॉल्व करो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस, इस एक्स को इधर ले जाओ, ए माइनस वन एक्स प्लस वन इजक्वल टू जीरो. ओके बच्चों, अब ये क्या बन रहा है, ये एक मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक, अब देखो क्वेश्चन में समझना, इसको अगर हम सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी. अब यहाँ बोल रहा है कि एग्जैक्टली टू पॉइंट हैं कॉन्टिन्यूटी के, कॉन्टिन्यूस एग्जैक्टली टू पॉइंट, टू पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, तो यानी हमें यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू मिलनी चाहिए, वो दो वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूस. तो बच्चों क्वाड्रेटिक दो वैल्यूज कहाँ पर देता है, याद है ना कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मिल गया तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलता है. अगर डी पॉजिटिव होगा तब ये क्वाड्रेटिक दो वैल्यूज देगा आपको. राइट, तो डी, तो कंडीशन समझ में आ गई ना, हमें इस क्वाड्रेटिक से दो डिफरेंट वैल्यू चाहिए, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, और वो कैसे मिलेगा, जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा. अब डी का मतलब समझ रहे हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसका बी क्या है बच्चों, माइनस ए माइनस वन, तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन, ठीक, सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म वन ग्रेटर देन जीरो. ठीक, सो ए माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक, माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो. ठीक, इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हो ना, देखो ग्रेटर देन फोर, फोर को क्या लिखोगे, टी स्क्वायर. राइट, अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर होता है तो सॉल्व करने पे क्या मिलता है, एक्स ग्रेटर देन के और एक्स लेस देन माइनस के. ठीक, देखो मैं वीडियो देख रहा हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट टू राइट है, कुछ नीचे लिखना पड़ेगा, कैमरे में नहीं आ रहा है, वेरी सॉरी फॉर दिस. एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर, तो बच्चों क्या लिखते हैं इसे, एक्स ग्रेटर देन के और एक्स लेस देन माइनस के, एक्स ग्रेटर देन के और एक्स लेस देन माइनस के. ठीक, सेम कंडीशन यहाँ पर देखो बच्चों, ए माइनस वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टू, और ए माइनस वन लेस देन माइनस टू. ठीक, सो ए ग्रेटर देन थ्री दिस,
और a लेस देन माइनस वन, ठीक, a ग्रेटर देन थ्री और a लेस देन माइनस वन, ठीक। अब इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखो, a बिलोंग्स माइनस वन से लेस, दैट मीन माइनस इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन थ्री से ग्रेटर थ्री टू इन्फिनिटी। ओके बच्चों, सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो आई थिंक बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, राइट राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो बच्चों फंक्शन आपको सपोज करो ये गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक। अगर एक्स रेशनल है सो एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस वन, ये आप एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी, ये कब है आपका, इफ एक्स इज अ इनरेशनल, नॉट रेशनल मीन्स इनरेशनल। ओके, देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 1 and x is equal to 2, ओके बच्चों, x is equal to 1 and x is equal to 2 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ऑफ a एंड b, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा ओके, तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, देखो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखो a इज इक्वल टू वन बाई टू, बी इज इक्वल टू वन, सेकेंड ऑप्शन a इज इक्वल टू वन बाई टू, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, थर्ड ऑप्शन a इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर्थ ऑप्शन, राइट, a इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू वन, ठीक। चलो बताओ कौन सा आंसर हो सकता है। अच्छा देखो सिंपल से बताया था ना, जब रेशनल और इनरेशनल का कॉन्सेप्ट दिया हो तो कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होता है, जहाँ पर दोनों को इक्वल कर दो, एक्स के जिस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो दोनों को इक्वल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस बी। ओके बच्चों, ये अब ये कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू x की क्या मिलनी चाहिए, वन और टू, ठीक। तो इसका मतलब x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। ओके, x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑलरेडी आपको गिवन है x इक्वल टू वन x इक्वल टू टू, तो डेफिनेटली x इक्वल टू वन x इक्वल टू टू क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो बच्चे पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू वन, ठीक, ओके पुट x इक्वल टू वन, ठीक, पुट करो यहाँ से, तो वन प्लस ए प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस टू प्लस बी, राइट। अच्छा देखो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो बी इज इक्वल टू ज़ीरो ये मिल गया आपको, ठीक। ओके बच्चों पुट एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू टू पुट करो, चलो फोर प्लस टू ए प्लस वन इज इक्वल टू फोर ए प्लस फोर प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो रख दो बी की वैल्यू, राइट, बी की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो बी की वैल्यू ज़ीरो। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, राइट, यहाँ से रखोगे टू ए, टू ए इज इक्वल टू वन, राइट, सो ए इज इक्वल टू वन बाई टू, ओके ए इज इक्वल टू वन बाई टू, राइट। सो देखो ए इज इक्वल टू वन बाई टू और बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक। ये तो आई थिंक बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी इजी प्रॉब्लम है और वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक ओके।
चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से। अब आपको एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू रीजनल एंड कॉस एक्स इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रीजनल, दैट मीन्स इन रीजनल। ओके फाइंड देन पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। ओके इसके पॉइंट्स ऑफ डिस, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको फाइंड आउट करना है। चलो ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है एक्स इजक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, और एन बच्चों क्या है यहाँ पर इंटीजर। बी ऑप्शन क्या है एक्स इजक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर, एंड सी ऑप्शन प्लस पाई बाई एट, एंड डी नन ऑफ दिस। ओके तो बच्चे इसको सॉल्व करना और कमेंट में मुझे बताना क्या इसका आंसर होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके बच्चों इसे सॉल्व करना और कमेंट में मुझे बताना। ओके तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके